ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज आपकी जय हो। हे सच्चे सदगुरु, हे साईं बाबा, आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय 9 का पठन होने जा रहा है। हे गुरुदेव, कृपा करें यह अध्याय 9 सभी भक्तों को इसके पठन से लाभ हो, सभी के चित्त में उतरे। आइए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 9। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों तरखंड कुटुंब के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आइए अब जानते हैं शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। आइए जानते हैं तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कॉपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कॉपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के दो घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सांवलीवीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो ना आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। एक अन्य घटना, एक यूरोपियन महाशय। एक समय बंबई के यूरोपियन महाशय नाना साहब चंदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलिशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुम्बन करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वह वहाँ आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता ना करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सांवली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक लगने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों को की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। अगला यानी भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को 2 दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है।
पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है? शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों यानी पहला कामिनी, दूसरा कांचन और तीसरा कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं। क्योंकि वे अपने गृह में भोजन कराने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार ग्रस्तों पर ही है। श्री साईं बाबा ना तो ग्रस्त थे और ना ही वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी ये दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है, वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालनकर्ता तथा पार ब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा के उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। अब पढ़ते हैं दूसरा दृष्टिकोण, पंच सुना यानी पांच पाप और उनका प्राश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को पांच प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहला कंडनी यानी पीसना, दूसरा पेशनी यानी दलना, तीसरा उदकुंभी यानी बर्तन मलना, चौथा मार्जनी यानी मांजना और धोना, पांचवा चूली यानी चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है। इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने पांच प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अर्थात पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद को अध्ययन करना, दूसरा पितृयज्ञ पूर्वजों को दान, तीसरा देव यज्ञ यानी देवताओं को बलि, चौथा भूत यज्ञ यानी प्राणियों को दान, पांचवा मनुष्य यानी अतिथि यज्ञ, ये है मनुष्यों अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्र अनुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। अब आगे पढ़ते हैं भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र फूल फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे याद उसके मित्र द्वारा या उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। अब पढ़ते हैं तरखंड कुटुम्ब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखंड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान ना रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नानादि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तता अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा ना की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए।
दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद ना देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज विस्मृति वृक्ष वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा ने उचित पथ प्रदर्शन ना करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि भाऊ यानी श्री तरखड़ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है। इसलिए वे बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा ना दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? अब अगला श्रीमती तरखड़। एक समय श्रीमती तरखड़ ने तीन वस्तुएँ अर्थात पहली भरित भुरता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, दूसरा काचर्या यानी बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और तीसरा पेड़ा यानी मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया इसे अब देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंद्रे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे श्रीडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंद्रे को दो बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुरता और दूसरे का काचर्य बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंद्रे भुरता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भुरता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचर्य लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचर्य मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। अब जब इस बात का पता लगाया गया कि भुरता कौन लाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंद्रे लाई थी तथा उन्हें ही काचर्य बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने गए। तरखड़ से मिलने आए श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ ना मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़े लिए हुए वहां पहुंचा तो फिर बाबा शांत ना रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने फिर वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ यानी श्रीमती तरखड़ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो आई और वह बहुत ही लज्जित हुआ तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार कर ली। भक्त मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ, यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन।
एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वह मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है, सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा, सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो, पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो, इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ, मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सुअर, मक्खियाँ, गायें आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उन्हें आकारों में डोल रहा हूँ, जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार ना रहा। अब अगला है शिक्षा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईशावा वास्तव्यमिदं सर्वम्, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभी शेष है और स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साई बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु, शुभम भवतु, ओम साई राम।